हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किस प्रकार डिफरेंट है, इसके पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे। एंड ये कंप्लीट है रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आपके बीएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ थ्योरी ऑन केमिकल बॉन्डिंग डेवलप एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बाय एफ हुंड एंड आर एस मुलिकिन टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसे 20th सेंचुरी के आसपास एफ हुंड एंड आर एस मुलिकिन ने इसको किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डेवलप किया था। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर ही डिपेंड है। देखिए, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एडिक्वेटली एक्सप्लेन हाउ सर्टेन मॉलिक्यूल कंटेन टू आर मोर इक्विवेलेंट बॉन्ड, बट एमओटी एक्सप्लेन इट इन गुड वे। दिस इज वेयर द एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव टू बी मोर पावरफुल देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे हम यहाँ दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आपको नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप कोवलेंट बॉन्ड यूनिट से रिलेटेड सभी वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? यहाँ पे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन एटम का एक जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जो है कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये जो दोनों होंगे आपस में शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे और इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस प्रकार का ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होगा? सेम एग्जांपल हम लेंगे, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ये जुड़कर जो है टू टाइप के जो है बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो है टू टाइप का बॉन्डिंग का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक जो है बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये दो टाइप के बॉन्ड बनेंगे, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये ज्यादा पावरफुल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वही इस पॉइंट में बताया गया है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये जो है ये जैसे यहां पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हैं। ठीक है, इसको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अगर मान लो कोई एक एटम किसी बहुत सारे डिफरेंट एटम से जुड़कर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस पॉइंट पे जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। एंड मॉलिक्यूल ये जो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको भी अच्छे से जो है एक्सप्लेन करता था, क्योंकि इसमें दो टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा पावरफुल है। वन ऑफ द मेन इंपैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज दैट इज पेव्ड अ न्यू वे टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन इंपैक्ट है कि इससे जो है हमको एक जो बॉन्डिंग का जो है एक नया वे पता चलता है। ठीक है, एक नया जो है कॉन्सेप्ट पता चलता है कि इस टाइप का बॉन्डिंग भी हो सकता है एटम्स के बीच। ठीक है, इस प्रकार भी मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन हो सकता है, ये मेन जो है इंपैक्ट हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो ये बेसिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटम आपस में मिलकर एक जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, मेन इस प्रकार से आगे हम एग्जांपल्स लेके इसको समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके एक एक करके पॉस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको बेसिकली आपके थ्योरी एग्जाम्स में लिखना होगा। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको बीएससी एंड एमएससी लेवल के थ्योरी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब दो एटम आपस में
जब पास आते हैं तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो इंट्रैक्ट हो जाएंगे एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एज मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द इंट्रैक्शन एज मैनी मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। ठीक है, ये जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हमको जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त होगा। यहां पे आप देख सकते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो हमको दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल प्राप्त हुआ। ये भी एक मेन डिफरेंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, यहां पे हमको सिर्फ एक बॉन्ड प्राप्त हो रहा था। ठीक है, ठीक है, एक जो है ऑर्बिटल प्राप्त हो रहा था, मतलब दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर एक ऑर्बिटल बना रहे थे, लेकिन यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके जो है दो मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने टाइप के हमको जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी प्राप्त होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो ये एक मेन पॉस्टुलेट है, आप ध्यान रख सकते हैं। एंड यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है जिसको हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्कस करेंगे। यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाएंगे तो यहां पे आपको सिर्फ दो जो है बॉन्डिंग के बारे में ध्यान रखना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट है द लेटर एसपीडी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल, सिमिलरली सिग्मा पाई एंड डेल्टा आर यूज टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एसपीडी इसको जो रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको एसपीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं उनको सिग्मा पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसमें जो है जो सिंपल मतलब उसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक साइंस से जो है डिनोट नहीं किया जाता था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम एनर्जी। ठीक है, अब जो एनर्जी होगा, ठीक है, जो बेसिकली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा जिस एनर्जी में, वो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, एंड लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन ऑल्सो होल्ड अ मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑल्सो एसोसिएट विद फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो चार क्वांटम नंबर से ये एसोसिएट होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, पॉस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो तीन टाइप के मेन होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, दिस आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज लेस देन द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे आर मोर परमानेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनका एनर्जी जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उससे कम होता है इनका एनर्जी। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनका एनर्जी जो पार्टिसिपेट एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनसे मिलकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उससे कम होता है एंड ये जो है परमानेंट होते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल आर अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अट्रैक्टेड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस एंड ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एनर्जी होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है। सेकेंड है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो द एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिमेन इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से सेम होता है एंड इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग बॉन्ड, hence it is called non-bonding molecular orbital. ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसलिए इसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। और ये अब ये ऑर्बिटल जो है क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। व्हेन द सिमेट्री ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट मैच, ठीक है, तो अगर जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का सिमेट्री मैच नहीं होगा तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके अलावा द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल इज ग्रेटर, ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस आर दोज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज हायर देन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इसमें जो है अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगा, नॉन बॉन्डिंग में बराबर होगा दोनों का, और इसमें जो है ज्यादा होगा। दिस आर दोज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज हायर देन द एनर्जी एटॉमिक
ऑर्बिटल, ठीक है, दो पार्टिसिपेट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, उनसे ये ज्यादा होगा एंड इन दिस सिस्टम बिकम टेम्परेरी, और ये जो सिस्टम होगा ये टेम्परेरी होगा। तो ये तीन टाइप के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको ये पूरा थ्योरी पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट है जो पॉइंट हम आगे एग्जाम्पल लेंगे जब एनर्जी लेवल डायग्राम हमको निकालना होगा तो उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो बहुत सिंपल सा है, 1s 1s, ठीक है, यहां पे जो है 1s 1s ऑर्बिटल है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे ये जो है इस प्रकार से भरेगा, ये बॉन्डिंग होगा और ये एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ऐसे भर जाएंगे, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं पहुंच पाएगा, तो इस प्रकार से भरेगा। और 2s 2s ऑर्बिटल है तो ये σ2s एंड σ*2s इस प्रकार से, तो ये जो है क्रम होता है, इस प्रकार से क्रम में जो है भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो आगे हम एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझेंगे। बॉन्ड ऑर्डर भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में बॉन्ड ऑर्डर जो है मेन निकाला जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा, सॉरी यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग होगा, सो कितने इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उससे जो है हम कितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है दोनों को घटाते हैं N2 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, आगे हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो ये पूरा पॉइंट और डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको ये बेसिक जो है मैंने थ्योरी पॉइंट्स प्रोवाइड किया, समझाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड यूनिट का कंप्लीट हेडिटर नोट चाहिए जिसमें ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर होंगे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोज देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।